सागर परिक्रमा भारत सरकार के मत्स्य विभाग की एक यात्रा जो गुजरात से शुरू हुई थी, आज भगवान जगन्नाथ जी की पावन धरती ओडिशा के गोपालपुर में पहुंच चुकी है। इसका मुझे बड़ा आनंद है। जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से अब हम पूरे ओडिशा के तटीय क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। मैं यहाँ के कार्यक्रम में आज हमारे बीच में यहाँ के सरपंच त्रिलोचन बेहरा जी, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, भाजपा के यहाँ के हमारे नेता हैं श्री संबित पात्रा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुभाष साहू जी, मेरे संयुक्त सचिव श्रीमती नीतू प्रसाद जी, राज्य सरकार के फिशरीज विभाग के डायरेक्टर महोदय एवं जिला के अधिकारीगण और मेरे सारे मछुआरे भाइयों एवं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ। मुझे यहाँ आने के बाद एक बात की खुशी हुई, एक साधारण मछुआरा भाई यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आया। मैं जिला के प्रशासन के अधिकारियों को, राज्य सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे आदमी को बुलाकर आपने इनको किसान क्रेडिट कार्ड दिलाया। भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किसान क्रेडिट कार्ड पे जो सहूलियत मिलती है वो इस देश में किसानों को अकेले को मिलती थी। मोदी जी ने इस देश के करोड़ों मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय किया है। आजादी के बाद यदि प्रधानमंत्री की ओर से मछुआरे समाज को कोई बड़ी गिफ्ट दी गई है तो ये किसान क्रेडिट कार्ड का अधिकार है। अभी जो भाई यहाँ लेने आया था उसको किसान क्रेडिट कार्ड बोलने का भी ठीक से नहीं आता था। वो किसान है, अनपढ़ है, वो समुन्दर से लड़ सकता है, वो सरकारी योजनाओं से नहीं लड़ सकता। इसीलिए ये जानकारी उनको देने के लिए और ये बेनिफिट उन तक पहुंचाने के लिए ये सागर परिक्रमा के माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूं। मैंने आंध्र में पूछा था, यहां भी मैं पूछ सकता हूं आपको, यदि आपको बाजार से पैसे लेने पड़े ये 30,000 रुपये, किसी शाहूकार से लेने पड़े तो क्या चार्ज देना पड़ता है, इंटरेस्ट क्या देना पड़ता है? 5 रुपया, 3 रुपया से 5 रुपया प्रति महीना, 5 रुपया पकड़ लो और प्रति महीना पकड़ लो तो सालाना 60% हुआ। ये जो हम इनको 30,000 रुपया किसान क्रेडिट कार्ड से देते हैं भारत सरकार की योजना से, वो 7% से मिलता है, ओनली 7, और वो भी आप समय से वापिस कर दो इसी साल, तो ये 7 में से 3% भारत सरकार जमा करा दी, तो आपको सिर्फ 4% से लेना है, ओनली 4% सालाना। कहां 60%, कहां 4%। इतना बड़ा अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए दिया है। यहां कुछ मछुआरे समाज के नेता लोग मेरे को मिलने आए थे, वो लोग हार्बर यहाँ बने इसकी डिमांड करने के लिए आए थे। उनका ये कहना था कि हार्बर की बात तो आगे बढ़ गई है मगर यहाँ कुछ क्लीयरेंस उसको नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये काम रुका हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डिमांड को आपके, आप लोगों ने मुझे रूबरू मिल के बताया है,
ये मेरी ऑफिस में आप दिल्ली आके ढूंढते रह जाओगे, कहां भी कोई टाइम भी नहीं देगा। ये मोदी जी है जो सरकार को आप मछुआरा के पास भेजती है, इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और भी कई लोगों ने मुझे विज्ञापन दिए हैं, उनमें अपनी अपनी बातें रखी होगी, उन सबका हम कॉग्निजेंस लेंगे। सरपंच महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना अर्ली मॉर्निंग में आप अपने गांव वासियों को लेकर सागर परिक्रमा के स्वागत के लिए आए, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। मछुआरे भाई बहनों को मैं वंदन करता हूं। जय जगन्नाथ, भारत माता की वंदे वंदे, जय जगन्नाथ। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।